नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे बोनस के मैजिक के बारे में। हमने पिछले वीडियो में चर्चा किया था, बोनस कोई लॉजिक नहीं है बल्कि एक मैजिक है। ये आपके इन्वेस्टमेंट को कई टाइम्स मल्टीपल में बदल, आपके इन्वेस्टमेंट को इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट बना देता है कि आप एक मामूली सी रकम को इन्वेस्ट कर देते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं वैसे स्टॉक्स में जो कि लगातार बोनस देते हैं और अच्छा ग्रो करते हैं। तो आपके 1000 रुपये के इन्वेस्टमेंट पे, 2000 रुपये के इन्वेस्टमेंट पे आपको करोड़ों के रिटर्न मिलते हैं। तो आज हम इन्फोसिस के बोनस शेयर के बारे में हम बात करेंगे कि 93 में जब इन्फोसिस हमारा लिस्ट हुआ था उस समय आपने इन्वेस्ट किया होता मात्र 1900, तो आज इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ 35 लाख रुपीज का इन्वेस्टमेंट बन जाता मात्र 1900 रुपये का इन्वेस्टमेंट। तो आइए इस मैजिक को हम बात करेंगे, इस मैजिक को आपको कैलकुलेट करके दिखाएंगे कैसे आपका मात्र 1900 रुपये का इन्वेस्टमेंट, मात्र 20 शेयर, अगर 20 शेयर बाय कर लेते और अभी तक आप होल्ड करते तो आप जो है 1 करोड़पति होते। मतलब आपका इन्वेस्टमेंट 1900 रुपये का, अर्थात मात्र 20 शेयर का इन्वेस्टमेंट, आज आपको 1 करोड़पति, मतलब 1 करोड़ 35 लाख रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट आपका होता। तो इस मैजिक को हम इस वीडियो में कैलकुलेट करेंगे और इसके बाद आप जो आते हैं स्टॉक मार्केट में सबसे पहले यही बात करते हैं कि ट्रेड कैसे करें, कैसे हम डेली का 500 रुपया कमाएँ, कैसे डेली का हम 1000 रुपया कमाएँ। इन सब बातों में आप जो है नहीं उलझेंगे, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बनेंगे। आप जो भी जॉब करते हैं वो जॉब भी करना है साथ साथ इन्वेस्टमेंट भी करना है। और धीरे धीरे हम आपको सारे मैजिक सिखाएंगे, सारे बेसिक सिखाएंगे स्टॉक मार्केट के। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देख लीजिए, ये हमारा इन्फोसिस का स्टॉक जो कि मैंने ओपन किया है और यहाँ पर आपको हम दिखाते हैं कि इन्फोसिस कितनी बार बोनस दिया है। तो देख सकते हैं यहाँ पर अनाउंसमेंट डेट और यहाँ पर हमारा है एक्स बोनस डेट, यहाँ रिकॉर्ड डेट, यहाँ पर बोनस रेशियो देखिए, और 2018 में दिया है, 2015, 2014, 2006, 2004, 2004 के बाद इधर 99 में, फिर 97 में, फिर 94 में, तो कुल 3, 3, 6, 2, 8 बार, कुल 8 टाइम्स बोनस दिया है इन्फोसिस ने। और एक बार स्टॉक स्प्लिट, स्टॉक स्प्लिट भी आपके लिए सेम एज ए बोनस है। मतलब जब फेस वैल्यू 10 से 5 रिड्यूस किया जाता है तो आपको, मतलब आधे किया गया तो आपको एक शेयर पर एक शेयर फ्री दिया जाता है। फेस वैल्यू हमारा वो वैल्यू होता है जिस पे प्रमोटर्स जो होते कंपनी का वो स्टॉक को खरीदते हैं, शेयर को खरीदते हैं, शेयर में इन्वेस्ट करते हैं। तो लिस्ट होने से पहले जो कंपनी को कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है, तो इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है, तो कौन देता है? प्रमोटर्स। तो प्रमोटर्स जिस प्राइस पर बाय करते हैं आपस में, प्रमोटर्स सब तय करते हैं कि फेस वैल्यू क्या होगा, उस पर वो अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो अपना कैपिटल को लगाते हैं, उस अनुसार से उनके पास शेयर होता है कंपनी का। तो हमारा फेस वैल्यू क्या है? एक अकाउंटिंग वर्ड्स है जो प्रमोटर्स के लिए यूज किया जाता है, कहे या एक अकाउंटिंग के लिए यूज किया जाता है ये वर्ड। और इस फेस वैल्यू हमारा जब रिड्यूस किया जाता है तो जो भी शेयर होल्डर होते हैं उसे भी उसी रेशियो में, जैसे हाफ किया गया तो एक पर एक शेयर फ्री दिया जाता है। तो अब हम बात करते हैं अपने कैलकुलेशन का। उससे पहले बता दें कि चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए लाल बटन पर दबा करके, और बगल के बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आगे आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिले। और वीडियो पे लाइक बहुत कम आ रहा है तो वीडियो पर लाइक ज़रूर दीजिए ताकि हम मोटिवेट हो सके आपके लिए अगले वीडियो को बनाने के लिए, और अपने दोस्तों से वीडियो को सभी ग्रुप में शेयर करें। तो शेयर करना और लाइक करना, ये दो चीज़ आप अवश्य करें, ये हमें मोटिवेशन था आपके लिए अगले वीडियो को बनाने के लिए। तो चलिए हम यहाँ पर आ चुके हैं, ये देख सकते हैं कि कह रहा है इफ़ anyone invested in 1993 total amount of 1920 share का price at the rate of 95 rupees, तो 95 rupees के रेट से अगर आप 20 शेयर बाय करते तो टोटल जो आपको आता प्राइस कितना 1900, तो टोटल 1900 का अमाउंट अगर आप इन्वेस्ट करते 93 में, उस समय ये अमाउंट थोड़ा बड़ा हुआ करता था क्योंकि अब जो हमारा जैसे इन्फ्लेशन बढ़ते गया तो ये अमाउंट का वैल्यू जो है थोड़ा लेस होते गया, लेकिन आप जो कैलकुलेट करेंगे इन्फ्लेशन के रेट से ये अमाउंट तो बहुत ही कम होगा। लेकिन जब आप स्टॉक मार्केट में से इन्वेस्ट करते इन्फोसिस जैसे शेयर में और अभी तक आप होल्ड करते उस शेयर को, तो आपका इन्वेस्टमेंट जो आज है, आज जो वैल्यू होता उस इन्वेस्टमेंट का वो करोड़ों में होता। तो उसी को हम कैलकुलेट करेंगे। देखिए 20 शेयर और सबसे पहले बोनस दिया कब, ये 93 में लिस्ट हुआ और 94 में ये हमारा बोनस दिया, कितना का? 1:1, 1:1 का अर्थ हुआ 1 शेयर फ्री फॉर एवरी 1 शेयर हेल्ड। ये हमारा जो आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड 1 है, ये आपको फ्री शेयर जो दिया जाएगा वो है, तो लेफ्ट साइड 1 है।
तो वन शेयर दिया जाएगा राइट साइड कितने शेयर पे, वन शेयर पे, तो 1:1 ये सिंपल रेशियो है। तो हो गया कितना, पहले से आपके पास 20 शेयर था, 20 शेयर और दे दिया गया तो कितने शेयर हो गए आपके पास, कुल 40 शेयर। 93 में आपके पास 20 शेयर था और 94 में बोनस के बाद आपके पास कुल शेयर कितना हो गया, 40, क्योंकि एक पर एक शेयर फ्री दिया, 40 शेयर हो गया, 20 शेयर था, 20 मिला आपके पास, 40 हो गया। फिर 97 में 1:1 का बोनस दिया गया, मतलब वन शेयर फ्री दिया गया फॉर एवरी वन शेयर, तो आपके पास कितने शेयर थे, 40, 40 पे 40 शेयर फ्री दिए गए तो कितना हो गया, 40 80। फिर 1999 में 1:1 का बोनस दिया गया, मतलब वन शेयर फ्री दिया गया फॉर एवरी वन शेयर यू हेल्ड, तो पहले से आपके पास 80 शेयर था, 80 शेयर और दे दिया गया तो आपके पास कितना हो गया, 80 + 80 160। फिर 2000 में स्प्लिट हुआ, स्प्लिट मतलब फेस वैल्यू 10 से रिड्यूस करके 5 कर दिया गया, तो आपको फिर से उसी रेशियो में, जिस रेशियो में फेस वैल्यू कम किया गया, आधे से कम किया गया, तो उसका रेशियो क्या हो, उल्टा 2 times मल्टीप्लाई, तभी तो वो सेम रहेगा नंबर ऑफ शेयर। तो हमारा आपको आधा किया गया तो वन शेयर फ्री दिया जाएगा, अगर इसको 5 से फिर 2 किया जाएगा तो उसी रेशियो में आपको, मतलब 2.5 के रेशियो में आपके शेयर बढ़ाए जाएंगे। तो उसी तरह से 10 से 5 किया गया, अगर 10 से 1 किया जाता तो डायरेक्ट आपको 10 शेयर फ्री दिया जाता, मतलब हमारा उसी रेशियो में बढ़ाया जाएगा। जैसे हमारा 10 से डायरेक्ट 1 कर देते, 10 से डायरेक्ट 1, तो उसी रेशियो में आपके शेयर को बढ़ाया जाता। तो यहाँ पर हमारा हाफ किया गया तो आपके शेयर को डबल कर दिया गया, मतलब 160 से आपका हो गया 320 शेयर। फिर 2004 में 1:1 का बोनस, सिंपल बोनस रेशियो है, तो आपको फिर ये शेयर डबल हो गया, तो 320 × 2 कर दीजिए कितना, 640। फिर 1:1 का बोनस 2006 में आपका शेयर हो गया, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 1280। फिर यहाँ दिया गया, अब की बार देखिए ज़बरदस्त बोनस, 2014 में ज़बरदस्त बोनस दिया गया 3:1 का, मतलब 3 शेयर आपको मिला फ्री में एक शेयर पर, मतलब आपके पास एक शेयर है तो 3 शेयर फ्री मिलेगा, तो हो जाएगा कुल 4 शेयर। तो पहले से आपके पास था कितना, 1280 शेयर, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 से मल्टीप्लाई 3700 कुछ शेयर, फिर उतना फ्री मिलेगा 3700 कुछ, यहाँ पर आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 8 कितना हो गया, 3 × 8 = 24, तो 2 रखना है, 12 × 3 = 36, 2 हो जाएगा हमारा 3840 शेयर। अब प्लस पहले से है आपके पास कितना, 1280, तो 3840 प्लस 1280 दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना हो गया, 5120 शेयर, मतलब 5120 शेयर। तो 5120 शेयर आपके पास कुल हो गए जब 3:1 का बोनस दिया गया, मतलब एक शेयर पे आपको 3 शेयर बिल्कुल फ्री। फिर हमारा जो है 2015 में 1:1 का बोनस, मतलब एक शेयर पे एक शेयर फ्री, तो फिर आपके पास इतना शेयर था, इसका डबल हो जाएगा कितना, 10240 शेयर। फिर आपको 2018 में जो लेटेस्ट है 1:1 का बोनस दिया गया, मतलब जो हमारा 10240 शेयर था वो डबल हो जाएगा 20480 शेयर। तो आपका मात्र 20 शेयर 93 में जो आपने बाय किया था वो अब हो गया 2018 में कितना शेयर, 20480 शेयर। 20 शेयर जो आपने बाय किया था 1900 रुपीज़ के में, मतलब कुल 1900 का अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया 20 शेयर बाय करने में और 93 में, और ये अब शेयर हो गया कितना, 20480 शेयर। मात्र 20 शेयर आपका इतना शेयर बन गया, जितना के जो कि आपके अमाउंट से 10 टाइम्स है, बताइए नंबर ऑफ शेयर्स आपके अमाउंट से 10 टाइम्स हो गया, आपके अमाउंट से 10 टाइम्स। अब कैलकुलेशन करते हैं, अभी जो इन्फोसिस का करेंट मार्केट प्राइस है जिस दिन हम वीडियो बना रहे हैं वो है 658 रुपीज़, और ये शेयर जा चुका है कितना तक, 840 रुपीज़ तक, 840 रुपीज़ तक जा चुका है। अभी ये आप देख सकते हैं कि 200 नीचे है, डाउन प्राइस है, तब हम इस रिटर्न की बात करें कि इतना आपका गजब का रिटर्न। अगर 200 और ऊपर बेचते, मतलब अब जाएगा जब, तो आपका इन्वेस्टमेंट और भी बेहतर हो जाएगा, मतलब आपका अमाउंट और भी कई टाइम्स हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर टुडेज टोटल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ 1900 इन 1993 इज़
टोटल जो हमारा इतना इन्वेस्टमेंट था 1993 में कितना का 1900 का, वो इन्वेस्टमेंट वैल्यू अब हमारा कितना हो चुका, तो कुल शेयर हमारा हो गया 20,480। अभी जो करेंट मार्केट प्राइस है 658 रुपीज़, तो नंबर ऑफ़ शेयर्स जो हो गया इनटू प्राइस ऑफ वन शेयर अभी जो है मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये आपका हमारा कैलकुलेट किया हुआ है, ये प्राइस आता है 1,34,75,840 रुपीज़। देखते हैं कितना लार्ज अमाउंट है हमारा, ये मात्र इन्फोसिस में आप 20 शेयर बाय किए होते 1900 का 93 में, तो आपका इन्वेस्टमेंट आज 1,34,75,000 का हो गया होता। तो इसलिए हम कहते हैं कि जब भी आप इन्वेस्ट करें एक लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव से करें, तभी आप एक लंबे टाइम में रिटर्न प्राप्त करेंगे और एक ह्यूज रिटर्न। तो सिर्फ आप इतना इन्वेस्टमेंट रिटर्न ही प्राप्त नहीं कर रहे हैं, साथ साथ आपको डिविडेंड भी मिल रहा है। अगर अभी इन्फोसिस 20 रुपये का डिविडेंड दे रहा है अगर सालाना, तो आप हर साल आप देख सकते हैं यहाँ पर आप जो है अगर 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 लाख होगा, 4 लाख रुपीज़ आपको हर ईयर डिविडेंड के रूप में भी मिलेगा, और आपका इन्वेस्टमेंट तो हो ही चुका है 1,34,00,000। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो बहुत ही आपको पसंद आया होगा और आप समझ गए होंगे कि स्टॉक मार्केट कोई जुआ नहीं है, कोई खेल नहीं है। एक लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव के लिए जब आप रिटर्न करते हैं तो ये आपको एक ह्यूज रिटर्न देता है। तो इसलिए आप अपने फ्रेंड्स को, अपने फैमिली में सभी को इंकरेज करेंगे को इन्वेस्ट करें, अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट करें जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हो, जिसका मैनेजमेंट अच्छा हो और जिस बिजनेस में आगे जा करके ग्रोथ की संभावना हो। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बगल के बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो और आपके फाइनेंस, आपके वेल्थ क्रिएट्स के लिए नए नए वीडियो हम लाते रहे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।